हेलो फ्रेंड्स, एटीजी के एक और नोबल एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट हमने देखा था योनजी हेवन पनिशमेंट सॉर्ट के नीचे आ गया था, जो देखकर सीनियर सिस अनकॉन्शियस हो गई थी। और इस चैप्टर की शुरुआत में योनबा जोर जोर से रोने लगता है खुद को कोस के और कहता है, ब्रदर इन लॉ योनजी प्लीज बाहर आ जाओ। और फिर योनबा एल्डर लिंकन को भी बोलता है कि एल्डर, क्या हेवन पनिशमेंट सॉर्ट को दोबारा उठाया जा सकता है? शायद योनजी अभी भी जिंदा हो। जहाँ एल्डर कहता है वो करना नामुमकिन है अभी के लिए, और तुम लोगों ने अभी देखा यहाँ क्या हुआ, तो शायद योनजी भी अब नहीं रहा, तो तुम्हें उसे लेकर गिव अप करना चाहिए। लेकिन योनबा बहुत सैड होता है और वो किसी का भी नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। और उतने में योनजी के स्टूडेंट को देखने को मिलता है, हाँ वही छोटा बंदा जिसे योनजी ने कॉम्पिटिशन में हराया था। और वो बिग ब्रदर को कहता है बॉस के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जहां उसका बिग ब्रदर कहता है कि शायद सचमुच हेवन से आउटस्टैंडिंग टैलेंट को देखा नहीं जाता। और तभी भिला मास्टर एल्डर उगू को योनबा के ऊपर क्लोजली नजर रखने कहता है, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाए। और भिला मास्टर साथ ही एल्डर को आगे बोलता है कि ग्रैंड मदर को कहो प्रिंसेस सेंगवे को चेकअप करने के लिए, ताकि उसकी बॉडी और सोल किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो पाए। और ये इंसिडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, तो हमें भी यहाँ से निकलना होगा। तभी बाकी लोग भी वहाँ से जाने की सोचते हैं, जहाँ फ्लेम वैली का फास्ट यंग मास्टर को देखने को मिलता है और वो एविल लुक के साथ मन ही मन कहता है, गधे ने खुद का लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया एक ट्रैश को बचाने के लिए, लेकिन तुम लकी हो जो तुम्हें इतना आसान मौत मिला, क्योंकि अगर मुझे तुम्हें मारने का मौका मिलता तो वो मंजर बहुत खौफनाक होता। तभी एल्डर कुन सोचता है, अजीब बात है, जब योनजी हेवन माइट सोल सप्रेसिंग फॉर्मेशन में घुसा तो जो वो पावर रिलीज किया वो डैम स्ट्रॉन्ग था पहले की कंपेयर में। और उससे ज्यादा एल्डर कुन इस बात पर परेशान होता है कि वो फॉर्मेशन से इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट वो फिर कहता है, भूल जाओ इस बात को, वो ऑलरेडी मर गया होगा, इस बातों को और खींच के कोई फायदा नहीं है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और फेरी को एकदम शॉक देखने को मिलता है, क्योंकि फेरी को खबर मिला है कि योनजी मर गया। तभी फेरी की शॉकिंग फेस देखकर दूसरी लड़की जो उन्हें खबर दिया वो फिर से कहती है, सीनियर सिस्टर क्या हुआ, अपने कुछ रॉन्ग सुना क्या? मैंने कहा कि योनजी मर गया क्योंकि उसने योनबा को सेव किया जो उसके साथ आया था, और उसे सेव करते करते वो खुद डीमन के हाथों मारा गया और बॉडी भी उसके साथ ही दफन हो गया। तभी एक लड़की कहती है, बस करो और कितना डिटेल्स बोलोगे, क्योंकि फेरी तब तक टूट चुकी थी। और ये सुन के वो तुरंत वहां से निकल भी पड़ती है। और फिर फेरी के जाने के बाद दोनों लड़की आपस में बातें करते हैं कि सीनियर फ्रोजन ब्यूटी को क्या हुआ, मैंने कभी भी उनको इस तरह इमोशनल होते हुए नहीं देखा। लेकिन तभी वह किंग यू को देखने को मिलता है और वो भी शायद योनजी के बारे में सुन लिया, क्योंकि वो भी काफी सैड दिखाई देने लगती है। और तभी सीन चेंज होता है और फेरी को उस जगह पर देखने को मिलता है जहां वो इंसिडेंट हुआ था, एंड लिटरली वो टूट चुकी थी और कहती है, योनजी व्हाई आर यू डेड? और फिर फ्रोजन ब्यूटी रोने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम असली मर्द हो, सो तुम मेरे सामने नहीं मर सकते हो? और क्या तुम्हें फ्रोजन क्लाउड नहीं जाना मुझे कंक्यूरर करने के लिए? तो मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज बाहर आ जाओ, अगर तुम बाहर आते हो तो तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, प्लीज बाहर आ जाओ। और फिर फ्रोजन ब्यूटी योनजी के खातिर सॉर्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करने लगती है। लेकिन तभी फ्रोजन क्लाउड एक और लड़की आके कहती है, सीनियर सिस्टर प्लीज स्टॉप, हेवन पनिशमेंट सॉर्ट को मूव करना इम्पॉसिबल है, प्लीज शांत हो जाओ, योनजी ऑलरेडी मर गया, प्लीज आप बाकी लोगों को आपका ये हाल देखने मत दो। लेकिन फ्रोजन ब्यूटी कुछ भी नहीं सुनता, क्योंकि वो बहुत डीपली योनजी के प्यार में गिर गया है। बट कुछ देर बाद वो थक जाती है, क्योंकि फ्रोजन ब्यूटी की मुंह से खून बाहर आती है। और तभी वो डिसाइपल आके सीनियर को संभालने लगती है और कहती है, मैं आपको वापस ले जा रही हूँ। और तभी सीन चेंज होता है और दो मास्टर किंग्यू को उदास देखकर पूछने लगती है, जूनियर सिस्टर आप ठीक हो ना? जहाँ किंग्यू पूछती है, क्या मास्टर का वर्ड सारे के सारे ट्रू है? जहाँ वो लोग कहती है हाँ, जो सुन के किंग्यू भी टूट जाती है। लेकिन वो खुद को संभाल के कहती है, मैं जाना चाहती हूँ,
मैं खुद सॉर्ट मैनेजमेंट टेरेस जाना चाहती हूँ। और फिर सैड होके किंग यू कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ उसके वाइफ बनने के लिए, और मैं उसके साथ वहाँ क्यों नहीं गया, और अगर क्या होता तो शायद ये ना होता। और फिर सीन चेंज होता है और ग्रैंडमा जूमू को देखने को मिलता है और वो फ्रोजन ब्यूटी को चेकअप करने आती है। तभी वो लड़की यानी वो जूनियर जो फ्रोजन ब्यूटी को वहाँ लाया, वो परेशान होके ग्रैंडमा से पूछती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ग्रैंडमा। जहाँ ग्रैंडमा कहती है, नहीं बस फ्रोजन ब्यूटी को एक सडन ट्रॉमा मिला जिसके वजह से वो सैडनेस यानी वो ट्रॉमा का सैडनेस उसके हार्ट को अटैक किया और ब्लड फ्लो रिवर्स हो गया था। लेकिन आगे ग्रैंडमा उस लड़की को और हमें शॉक करके रखती है कह के कि वो लंबे समय से आइस एट्रीब्यूट्स प्रोफाउंड आर्ट प्रैक्टिस करती हुई आ रही है। सो उसकी पांचों ऑर्गन एक्सेप्शनली बहुत कोल्ड है, उसी कारण अगर ये चलता गया तो मुझे डर है कि उसकी कोख में जो बेबी है उसके लिए बहुत दिक्कत होगा। तभी वो सुनकर वो लड़की कहती है, इम्पॉसिबल ग्रैंड मदर ज्यूमो, आपसे शायद गलती हुई है क्योंकि मेरी बहन किसी भी मर्द के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं किया, तो उसके कोख में बेबी कैसे हो सकता है। तभी ग्रैंडमा कहती है, मैं पिछले 190 साल से ये काम कर रही हूँ और इस दौरान मैंने एक से एक बड़ी इलाज को किया, और तुम कह रहे हो मैं मामूली प्रेगनेंसी को पहचान नहीं पाऊंगा। ये कह के ग्रैंडमा वहाँ से निकल पड़ती है और कुछ देर बाद सीनियर को भी होश आती है। जहाँ जूनियर सीनियर को होश में आता हुआ देखकर पूछने लगती है, एल्डर सिस्टर थैंक गॉड आप जाग गए हो, लेकिन सीनियर सिस्टर एक बात, क्या आप सचमुच कोक से हो और क्या ये बेबी योनची का है। लेकिन फ्रोजन ब्यूटी कहती है, मुझसे अभी सवाल मत पूछो और फौरन फ्रोजन क्लाउड जाने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर आगे फेरी मनीमन कहती है, योनची शायद हेवन का डिजाइन हो सकता है, सो ये भी हो सकता है। और तभी जूनियर कहती है, फिर सीनियर सिस्टर आपका ध्यान रखना। तभी सीन चेंज होता है और सॉर्ट मैनेजमेंट टेरेस पर किंगियो को देखने को मिलता है और वो सॉर्ट के तरफ देखकर कहने लगती है, हस्बैंड किंगियो को नेक्स्ट लाइफ में भी आपका वाइफ बनने देना, और किंगियो अपना बेस्ट करेगी अगले लाइफ में वाइफ बनने के लिए। और तभी लिंगयोन वहाँ आके किंगियो से पूछता है, क्या आप आपके फ्रेंड को भाई कहने आए हो। जहाँ किंगियो कहते हैं, नहीं मैं अपने हस्बैंड को सेंड ऑफ करने आई हूँ। तभी लिंगयोन कहता है, क्या मैंने हस्बैंड सुना, क्या आप मजाक कर रहे हो। लेकिन किंगियो उसे भाव ना दे के खुद का थोड़ा बाल काट के हमेशा के लिए योनजी को रखने कहता है और वहाँ से जाने लगती है। तभी योन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या सचमुच दोनों हस्बैंड वाइफ थे और या फिर ये एक झूठ है। तभी सीन चेंज होता है और योनबा बिग सिस किंगियो को पुकार के कहने लगता है, सिस इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे वजह से ब्रदर इन लॉ आप हमारे बीच नहीं रहा और एक त्राश हूँ मैं, मैंने ब्रदर इन लॉ को मार डाला। बेसिकली योनबा उस इंसिडेंट को लेकर अभी भी खुद को कोस रहा है। लेकिन तभी किंगियो जोर से योनबा कहती है, तब जाके योनबा होश में आके कहता है, बिग सिस मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, नहीं तो ब्रदर इन लॉ ने जो जिंदगी मुझे दिया उसका कोई मायने नहीं रहेगा, सो मैं स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा हूँ और एक दिन इस एहसान को मैं फुलफिल जरूर करूंगा। आपको पापा को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। और फिर योनबा वहां से जाने लगता है। जहाँ किंगियो कहते, योनबा तुम बड़े हो चुके हो सो मैं तुम्हारा वेट करूंगी और साथ ही थैंक्स स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाए सिखाने के लिए। और तभी सीन चेंज होता है और भिला मास्टर को खबर मिलता है कि फ्रोजन ब्यूटी पेट से है और उस बेबी का पापा और कोई नहीं बल्कि योनची है। लेकिन ये खबर उसके लिए बहुत शॉकिंग और अनबिलीवेबल था। तभी यूफेंग कहती है, अपने एक डिकेट से भी ज्यादा साल तक चू यूचेन का पीछा किया और अब तक आप लगातार उसके बारे में सोचते रहे, फिर भी वो एक जूनियर के साथ रिलेशन बनाया और प्रेग्नेंट भी हुई, ये तो हेवन लेवल का मजाक निकला। और तभी भिल्ला मास्टर कहता है, साइलेंस, ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो तुम इस रूम से बाहर ले जाओ। चाहे यूफेंग कहती है, तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन उतने में लिंगयोन दुख दर्द पीरा सब कुछ लेके वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है, पप्पा मम्मी। चाहे यूफेंग पूछती है, क्या हुआ। चाहे वो बोलता है, रिसेंटली मैं किसी के प्यार में डूब गया था मगर अब सब कुछ बर्बाद हो गया।
जहां उसका मम्मी गुस्से से कहती है, कौन है वो जो मेरे प्रीशियस बेटे के आंखों में आंसू लाया। और तभी लिंग्यून कहता है कि शिया किंग्यो, और उसने मुझे पर्सनली कहा कि वो शादीशुदा थी और वो भी योनची के साथ, और मैंने अभी उसे उसके लिए रोते हुए भी देखा। तभी युफेंग गुस्से से मन ही मन कहती है, डैम फ्रोजन क्लाउड, तुमने एक साथ मेरे हस्बैंड और बेटे को रुलाया, मैं तुम्हें मिटा दूंगी। और तभी सीन चेंज होता है और कुछ दिन बाद ब्लू वाइंड एम्पायर देखने को मिलता है और वह सीनियर सीज को देखने को मिलता है, और जो पहले चीफ को कहती है, डोंट वरी, मैं अभी सैड नहीं हूँ क्योंकि अब मुझे बहुत कुछ संभालना होगा। और फिर वो मनी मन अभी भी सैड है, बट वो अपने पापा के खातिर वो सब अभी के लिए साइड में रखती है। तभी लोग बाग बातें करने लगते है कि युनची के साथ क्या हुआ, शिया किंग्यो की पावर्स कितनी इंक्रीज हुई, और वो युनची का वाइफ है क्योंकि लोगों ने उसे युनची के लिए रोते हुए देखा है। और फिर सीन चेंज होता है और फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस देखने को मिलता है, और सैड पार्ट, फ्रोजन ब्यूटी चू युचेन को घुटनों में देखने को मिलता है, वो भी कारेन मिस्ट्रेस गोंग युचेन के सामने, और वो कहती है, चू युचेन, तुम्हें तो पता है तुमने मिस्टेक किया। जहां इमोशनल होके फ्रोजन ब्यूटी कहती है, मिस्ट्रेस यस, डिसाइपल से गलती हुई है। जहां ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन स्टोरी क्या ही गजब टर्न लिया है, मजा ही आ गया। और अभी ये सब हो रहा है तो आगे क्या होगा, बट ट्रस्ट मी, नेक्स्ट चैप्टर और भी बवाल होने वाला है। तो मेक श्योर आपने ये एपिसोड पूरा देखा और आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किया। बाय।